ये नौकरी तुम्हारी काबिलियत की वजह से नहीं बल्कि मेरे डैडी की सिफारिश की वजह से मिल रही है। इससे पहले चीफ मैकेनिक के हिस्से से काम करते थे तुम? यस मैडम। यहाँ भी तुम्हें वही काम करना होगा। थैंक यू वेरी मच। मेरी इजाजत के बिना तुमने मेरी कार को छुआ कैसे? मैडम सड़क पर भी कोई हादसा हो जाता है तो पराया आदमी भी जख्मी को अपनी कार में बिठाकर अस्पताल पहुंचा देता है। फिर नारायण तो आपका मजदूर है। ये मेरे सवाल का जवाब नहीं। तो जवाब ये है कि उसे अस्पताल पहुंचाना बहुत जरूरी था। उसका एक हाथ कट जाने से हमारी फैक्ट्री बंद नहीं हो जाती। फैक्ट्री का यूनियन लीडर हमेशा मैं ही चुनती हूँ। लेकिन अब ऐसा नहीं होगा मैडम। हमारा लीडर कौन बनेगा या नहीं ये हमें ही तय करना है। मतलब अब आप लोग मेरे खिलाफ अपना लीडर खड़ा करेंगे? आपके खिलाफ नहीं मैडम, आप इसे खड़ा कर रही हैं उसके खिलाफ। इसके खिलाफ खड़ा रहने की हिम्मत है किसमें? उठ राजू, उठ राजू। कुछ भी हो जाए वो मजदूर जीतना नहीं चाहिए। He should not win. Understand? यही है राइट चॉइस बेबी। मिस्टर राज वर्मा तिलक भंडारी से 407 वोटों से जीत गए हैं। पहला थप्पड़ तुम्हारे थप्पड़ का जवाब था हिसाब बराबर करने के लिए, दूसरा थप्पड़ फौरन जाकर जो तुम हिंदुस्तानी सभ्यता भूल चुकी हो उसे याद दिलाने के लिए, तीसरा थप्पड़ तुम्हारे घमंड का जुर्माना था और चौथा तुम्हारी बदतमीजी का सूत। मैं वो मजदूर हूँ जो अपने बदतमीज मालिक का दिया हुआ बोनस उन्हें सूत। तुम्हें ये नौकरी तुम्हारी काबिलियत की वजह से नहीं बल्कि मेरे डैडी की सिफारिश की वजह से मिल रही है। इससे पहले चीफ मैकेनिक के हिस्से से काम करते